नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। अमरनाथ यादव निवर्तमान ग्राम प्रधान जिला विकास कमीशन पूरा जनपद। ये बताइए कि आप इस समय यहाँ के प्रधान हैं, कितनी बार आप प्रधान रह चुके हैं? मैं 1988 से 95 तक था जी, फिर इसके बाद मेरी डिसेज हुई, फिर 2015 में मैं हुआ। 2015 यानी आपका मतलब तीसरी बार आप? हाँ, दूसरी बार। हाँ, मैं दो बार हमारी मिसेज, दो बार मिसेज रह चुकी हूँ। गांव में विकास कार्य इस पंचवर्षीय कार्य में क्या क्या प्रमुख रूप से आपने कराए हैं? सबसे प्रमुख तो दूषित जल विकास के लिए नालियों का निर्माण जो लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर की हैं, और इंटरलॉकिंग विद्यालय, सम्मिलन विद्यालय का कायाकल्प, प्राथमिक विद्यालय कुशीनी का कायाकल्प, मॉडल शौचालय और सामुदायिक शौचालय, दिव्यांग शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, लाभार्थियों को आवास, यानी जो भी सरकार की मूलभूत सुविधाएं रही हैं वो लाबार्थियों को दिलाया गया है पात्रों में। गांव में आपने शौचालय जी कितना दिया है? व्यक्तिगत शौचालय लगभग 600 के आसपास दिया गया है। 600 के आसपास। कितने परिवार इस गांव में रहते हैं? परिवार की संख्या तो करीब 1000 होती है। 1000 परिवार में मतलब आपने 600 से ऊपर हम दिया गया शौचालय दिया गया है। पात्र हैं सभी लोग? जी हाँ, पात्र को ही दिया। मतलब अपात्र को तो नहीं? अपात्र को नहीं दिया गया, पात्र तो स्वयं अपना बनवा करके पड़े हुए हैं। इस पांच वर्ष में कितना आपने आवास, कितने पात्रों को आवास दिया है? इस पंचवर्षीय योजना में जो अभी आवास प्लस चल रहा है प्रधानमंत्री वाला, इसमें करीब 80 जो है पात्र हैं उनको चिन्हित करके दिया जा रहा है, और बहुत से पात्र जो हैं छूट भी गए हैं जिनका बेस लाइन में नाम नहीं आ पाया है, उनके लिए सूची बना करके दी गई है जब उनका आगे चुनाव आने वाले हैं जी। क्या अगर सीट आती है समान बैकवर्ड, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? अगर गांव के लोगों की इच्छा होगी तो चुनाव लड़ा जाएगा। गांव के लोगों की इच्छा इस समय वर्तमान में क्या है? अब गांव के लोगों की इच्छा तो भाई काम पर ही डिपेंड करती है, काम देखेंगे, काम देख करके अगर चयन करेंगे तो। आप अपने कार्य अनुसार क्या सोचते हैं, मतलब आपको गांव? मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूं। गांव के लोग आपका सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपके कार्यों के अनुसार? जी हाँ, कार्यों के अनुसार करेंगे, कार्यों के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, उनकी सहभागिता के अनुसार, उनके दुख सुख में रहने के नाते करेंगे। तो बताइए अगर गांव फिर आपको मौका देता है जी, फिर जिस तरह से आप विकास कार्य करते हुए आए हैं जी, क्या इसी तरह से गाँव का विकास? बिल्कुल हाँ, मैं इस गाँव को एक आइडियल मानी विलेज के रूप में देखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और प्रयास करता रहूँगा। अगर मुझे अवसर मिला तो मैं पुनः यह काम। अगर अवसर मिलता है तो गांव में अच्छा बनाना चाहते हैं? आइडियल ने बता दिया कि एक आदर्श गांव में। आदर्श गांव जी? अभी आदर्श गांव का दर्जा आपके गांव को नहीं? अभी नहीं, अभी बहुत कुछ समस्याएं हैं, बहुत कुछ अभी करना है। गांव में कितने वोटर हैं आपके? पिछले 2015 में लगभग 5000 के आसपास वोटर थे। 5000 वोटर थे जी। और इस वक्त कितना? इस वक्त अगर वृद्धि हुई होगी तो बढ़ेंगे 6000 से ऊपर। 6000 से ऊपर जाएंगे। धन्यवाद। विजय नारायण सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खंड। ये बताइए कि आपको कितने गांव का चार्ज मिला है? ग्राम पंचायत का चार्ज मिला है। वीडियो साहब के अंदर में आप कार्यभार देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं सर। आपके सहयोगी के रूप में ग्राम प्रधान लोग? हाँ ग्राम प्रधान। यहाँ पे बिलौजा ग्राम सभा में आप मौजूद हैं? यहाँ पे इसमें क्या कार्य कराया जा रहा है? वही नाली खनिज नाली का काम किया जा रहा है, कच्चा काम किया जा रहा है, नाली का पालन शुरू कर दिया है, जिसमें 360 मीटर नाली कम्प्लीट पूर्ण हो गई है सर। इसमें 180 मीटर एक साइड में है, 180 मीटर एक साइड में है, उसको 2-3 पार्ट में किया गया है, 90-90 मीटर का किया है। शौचालय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे गांव में? शौचालय माने जो मतलब जमीन पात्र थे उन लोग को दे दिया गया है, जो अवशेष लाभार्थी वंचित हैं उन लोगों को ऑनलाइन करा कर मैंने तो तुरंत तत्काल उसको उपलब्ध। सुनने में आता है कि अपना लोग देखकर अपात्रों को भी नहीं, नहीं। आवास दे दिया जाता है? नहीं, गलत बात है। जो जमीन पात्र हैं पात्र का चयन करके हम पात्र लाभार्थियों का चयन करते हैं, अगर सूची में अपात्र का चयन हो गया है तो उसको निकाल कर बहाल कर देते हैं, उसको निकाल के बाद। हाँ बहाल कर। आप कितने वर्षों से इस गांव का? अभी तो लगभग हम
करीब 2-3 माह हुआ, ज्यादा 2-3 माह। हाँ, आपने बहुत जल्दी इस गांव में कितने जब कलेक्टर लागू हुआ है जी, तभी डीएम साहब आदेश के यहाँ है। इस गांव में कितनी समस्याएं हैं अभी? समस्याएं बहुत है, उसी में हम लोग समस्याओं का समाधान हम और प्रधान जी अपने माध्यम से कर रहे हैं। धन्यवाद।